बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का जलवा आज भी कायम है। माधुरी इन दिनों डांस दीवाने 3 डांस शो की जज हैं। अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की एक झलक पाने को बेकरार फैंस रियलिटी शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपनी बातों के साथ साथ डांस करके भी माधुरी ने इस शो के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ा दी है। लेकिन एक्ट्रेस के फैंस के लिए निराश करने वाली एक खबर आई है। अब कुछ दिनों तक माधुरी इस शो में जज की कुर्सी से नदारद रहेंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने 3 इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। पहले शो के 18 लोगों को एक साथ कोरोना हो गया, जिसके बाद सेट पर हाहाकार मच गया था। उसके बाद शो के जज धर्मेश कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। हाल ही में शो के एंकर राघव जुयाल भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। अब खबर आ रही है कि शो की जज माधुरी दीक्षित अगले 4 एपिसोड में नजर नहीं आएंगी। हालांकि माधुरी शो छोड़ नहीं रही हैं और ना ही उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। वो बस कुछ एपिसोड में नहीं दिखेंगी क्योंकि अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग बैंगलोर में जाएगी। जी हाँ, मुंबई में लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच डांस दीवाने के कुछ एपिसोड्स बैंगलोर में शूट किए जाएंगे। माधुरी दीक्षित ने बैंगलोर जाने से मना कर दिया है। ऐसे में 4 अपकमिंग एपिसोड में माधुरी नहीं रहेंगी, लेकिन उनकी जगह बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की एंट्री होगी और नोरा फतेही शो में जज की भूमिका निभाती रहेंगी। जी हाँ, मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक माधुरी को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ 4 एपिसोड के लिए वो शो में नहीं होंगी। माधुरी दीक्षित ने कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो मुंबई से बाहर जाने में परहेज कर रही हैं। वैक्सीन लगवाने की फोटो माधुरी ने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। जी हाँ, तो और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशिक रिपोर्ट।